निकोबार द्वीप समूह के आइलैंड पर अभी हम मौजूद हैं और नया डेरा गांव है। यहां पर केवल 8 परिवार जो है निवास करते हैं और बेहद गरीबी में यहां रहते हैं, यानी के इनके पास यहां पर बिजली की भी सुविधा नहीं है। समत गुड़िया एक ऐसा बच्चा है यहां आइलैंड पर जो 7वीं कक्षा में पढ़ता है और 11 वर्ष इसकी आयु है। बच्चे ने बहुत अच्छा यहां पे पढ़ाई पर ध्यान दिया है और इस वजह से जिला प्रेस क्लब सोनीपत हरियाणा इनको भी यहां आइलैंड पर सम्मानित करता सर जो है। साथियों का हम यहां पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज यह बौद्धिक पत्रकारिता कार्यशाला पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर आकर यहां पर की जा रही है और ये एक ऐसा गांव है यहां पे बहुत कम व्यक्ति जो है यहां पे कुल यानी के 8 परिवार जो है रहते कुल गांव में 8 सर्टिफिकेट सौंप के उनको सम्मानित कर रहा है। यहां पर बिजली की सुविधा भी नहीं है। आओ जी, ये सम्मान पत्र जो है इनको सौंपा जा रहा है और साथ ही साथ इनको जो है एक ये मेमेंटो भी जिला प्रेस क्लब सोनीपत के माध्यम से सौंपा जा रहा है। क्या नाम है जी आपका? विजय टेटे। अच्छा विजय जी, ये नींबू कहाँ से लाते और कितने वर्षों से सेवा कर रहे हो सेवा मिशन को लेके? ये तो 2000 जब से केव शुरू हुआ तब से यहाँ पे। हाँ हाँ, खुद उगा के रखे हैं, मतलब पेड़ लगा के रखे हैं उसे निकालते हैं। अच्छा, सुविधा तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। थोड़ा खेती बाड़ी कर लेते, सब्जी उगा लेते, फिर पार्ट टाइम का जो भी है। अच्छा, आलू और गोभी छोड़ के बाकी सभी तरह का हो जाते हैं। अच्छा, तो करते हैं। खुश हो जी? भाई जो है एक ऐसा नाम है जो काफी संघर्ष से यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है, जिसको जिला प्रेस क्लब जो है एक मेमेंटो देकर और सर्टिफिकेट देकर सम्मान कर रहा है और इनको प्रणाम भी कर रहा है। खास बात यह है कि इनको नगद जो है वो थोड़ा राशि भी दी जा रही है, क्योंकि लक्ष्मी माता है, इनकी शक्ति जो है वो अपरंपार है। चलो हो गया। लक्ष्मी तिरखी एक ऐसा नाम है जिन्होंने बहुत अच्छा किया है और इनको जो है हम जिला प्रेस क्लब के महासचिव जो है श्याम सुंदर शर्मा जी सम्मान इनका कर रहे, एक मेमेंटो भी दे रहे हैं और साथ के साथ इनको एक सम्मान पत्र भी दिया जा रहा। बहुत खुशी और उत्साह का ये समय है। इनको कुछ नगद राशि भी जो है वो दी जा रही है, कृपया आप स्वीकार करिए और बहुत खुशी की बात है। भगवान आपको शक्ति दे और क्योंकि इन्होंने 10वीं तक शिक्षा ग्रहण की लेकिन कोई रोजगार नहीं मिला तो इन्होंने यहीं पर ही संघर्ष शुरू कर दिया। चारों तरफ समुन्द्र है, पानी है और कुछ नहीं है, खेती बाड़ी भी बड़ी मुश्किल से करते हैं, बहुत छोटी जगह है। तो जिला प्रेस क्लब इनको मेमेंटो देकर सम्मानित कर रहा है और जिला प्रेस क्लब के जो है यहाँ पे धनमंत्री जी उनको सम्मानित कर रहे हैं और 100 का नोट भी देकर इनका हौसला जो है वो बढ़ा रहे हैं। बहुत खुशी और उत्साह का ये विषय है। श्रीमती बरसाती एक ऐसा नाम है जो यहाँ नया डेरा गांव में आइलैंड के बीच में रहते हैं। खास बात यह है कि बरसाती एक ऐसा नाम है जो अपने जीवन में काफी संघर्ष कर रही है। तो जिला प्रेस क्लब का उप प्रधान जो है भवर सिंह जी से अनुरोध है कि उनको मेमेंटो और सम्मान पत्र देकर सम्मानित करे। और बात है, आप 10वीं पास हो लेकिन रोजगार नहीं मिला तो यहाँ जो लोग आते हैं उनकी सेवा कर रहे हो, इसलिए आपको सम्मानित कर रहा जिला प्रेस क्लब। श्रीमती नीलिमा सुरीन एक ऐसा नाम है जो कि 10वीं तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और यहाँ गांव में रहती आइलैंड पे पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर जो है ये गांव है और काफी ये मेहनती लोग हैं यहाँ पे। इनकी मेहनत को देखकर इनको जो है जिला प्रेस क्लब सम्मानित कर रहा, मेमेंटो भी दे रहा। कुलदीप सिंह पत्रकार उनको सम्मानित कर रहे हैं और नगद राशि का पुरस्कार भी उन्हें जिला प्रेस क्लब के माध्यम से दिया जा रहा। बहुत खुशी और उत्साह का ये विषय है। अच्छा आप ये बताइए, यहाँ पे लाइट है, क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? सोलर सिस्टम है, लाइट नहीं। फोन है, नेटवर्क है, जगह जगह पे मिलती है, नहीं मिलता, जगह जगह पे नेटवर्क ढूंढना पड़ता है। मैं 8 फैमिली रहती हूं। क्या नाम है गांव का? नया डेरा। अच्छा 10 तक पढ़े। अच्छा 10 तक पढ़े हो, कोई सरकारी जॉब नहीं मिला? अच्छा ये जो सेवा कर रहे हो कितना अच्छा महसूस होता है यहाँ जंगल के बीच में रह के? खुश हो? अभी तक इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, काफी खुशी का विषय है।
प्रधान है, पूर्व प्रधान है जसवीर सिंह खत्री, पूर्व प्रधान है जिला प्रेस क्लब के सामने ये लो, ये भी दो। हाँ, ये और 100 रुपए की नगद राशि भी देकर सम्मानित करे। चलो, खास बात यह है कि जिला प्रेस क्लब सोनीपत हरियाणा के माध्यम से एक मिशन चलाया जा रहा है सकारात्मक सोच को सम्मान, और यहां पर 8 परिवारों को मेमेंटो और यहां पर सम्मान पत्र देकर भी सम्मानित किया गया है और उनका हौसला बढ़ाया गया, क्योंकि वो इतनी गरीबी और संघर्ष के बीच यहां पर जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। राजेश खत्री, अंडेमान निकोबार द्वीप समूह।